हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की। बता दें कि अजय देवगन बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन कलाकारों में से एक हैं जिन्हें सुपरस्टार माना जाता है। जी हाँ, जिस तरह की फिल्में इन्होंने हमें दी हैं, जितनी अच्छी इन्होंने एक्टिंग की है, जितने अच्छे इन्होंने किरदार निभाए हैं कि हर कोई इनका दीवाना हो गया है। चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसी फिल्मों की जहाँ पे आप अजय देवगन और गुलशन ग्रोवर को एक साथ देख पाएंगे। बात करते हैं फिल्म जिगर की। बता दें कि जिगर फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी। ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी जिसमें करिश्मा कपूर भी नजर आई और भी कई सितारे मेन रोल में थे, और इस फिल्म में आपने देखा कि गुलशन ग्रोवर भी आपको नजर आए। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं फिल्म कानून की। ये फिल्म 1994 में आई थी और इसमें अजय देवगन के साथ उर्मिला नजर आई थी। इसके अलावा गुलशन ग्रोवर, आलोक नाथ, रीमा लागू और प्रेम चोपड़ा मेन किरदार में दिखे थे। दिलवाले फिल्म किसे याद नहीं, फिल्म 1994 में आई थी और रवीना टंडन और अजय देवगन की जोड़ी, उनके साथ सुनील शेट्टी मुख्य किरदार में थे। इन्होंने बहुत ही धमाल मचाया था, बहुत ही अच्छी फिल्म थी जहाँ पे आप गुलशन ग्रोवर को भी देख पाए थे। इसके अलावा इन्हें विजय पथ, हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्मों में साथ देखा गया। बता दें कि इन दोनों ने साथ मिलकर बहुत ही बेहतरीन फिल्में दी हैं। तो आपको इनमें से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके बताएं, और इनसे जुड़े और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।